ये कौन सा मंदिर है भाभी? ये सामने जो दिख रहा है बड़ा मंदिर, वो हमारे आराध्य देव श्री देव जसना जी महाराज का और माँ सती कालर देवी का मंदिर है। हाँ। और जो ये खेजरा देख रहे हैं, ये हमारे दादा परदादा गुरु जोगीनाथ जी महाराज, जिन्होंने इस धाम की स्थापना की, उन्होंने यहाँ जसना जी महाराज और उनके गुरु दालम जी और दूधो जी महाराज की स्थापना की। हाँ। और वही स्थान है जहाँ यहाँ लोग लाखों की लोग में आते हैं और यहाँ तादाद में दर्शन करते हैं बाबा के। साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों अभी आपको मैं जो ये तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, ये जसना धाम लीलसर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। श्री श्री 1008 श्री मोटनाथ जी महाराज से पूरी बात की है, पूरी जानकारी ली है यहां धाम की। तो मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा लेता हूँ, उसके बाद अपन गुरु महाराज से बात भी करेंगे, गुरु महाराज से पूरी जानकारी मैं आपको इसके वीडियो के अंदर ही प्रकाशित करवाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा लेता हूँ इस धाम की। इस धाम ये लीलसर में बना है बाप जी, श्री श्री 1008 मोटनाथ जी बाप जी यहाँ अपने साथ है। ये देख लो तस्वीरें यहाँ की दिखा रहा हूँ, कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें, जो बाड़मेर राज्य प्रदेश में दूसरा और राजस्थान जिले में पहला धाम यहाँ है। जसना जी महाराज का धाम है, प्रदेश में दूसरा और जिले में पहला ऐसा धाम है जो मैं अब आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। एक बार शेयर कर दो साथियों, ताकि ये पोस्ट सभी तक पहुँचे, सभी को पता चले कि बाड़मेर के ग्राम पंचायत लीलसर में इतना शानदार धाम है जसनाथ जी महाराज का। फटाफट शेयर करो साथियों इस पोस्ट को। पहली बार ऐसी तस्वीरें आपको साथियों मैं दिखाने जा रहा हूँ बाड़मेर जिले में। आज सातम का दिन है, यहाँ पर भक्तों की भीड़ है, भक्त आते हैं। और बड़ी बात बता देता हूँ साथियों, अभी आगे बड़ा महीना आ रहा है भादरवे का, उस भादरवे महीने में यहाँ 15 दिन तक लगातार यहाँ मेला रहेगा। सभी भक्त यहाँ आए, प्रसादी ले जाए, सभी श्रद्धालु आए, यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, अग्नि नृत्य का कार्यक्रम होगा। बाड़मेर में पहला धाम जसना जी महाराज का है, जो यहाँ पर अग्नि नृत्य होती है, आग पर भक्त नाचते हैं। ये देख लो एक सुंदर तस्वीर दिखा रहा हूँ धाम की बाप जी के, श्री श्री 1008 जसना जी बाप जी के धाम की तस्वीरें अभी दिखा रहा हूँ, देख लो साथियों। लीलसर में है साथियों ये मंच है, जहाँ पर भादरवे महीने में अग्नि नृत्य होगा, बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर, ये बड़ा मंच है। और ये अभी आपको मैं धूना दिखाने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ का बाप जी का धूना दिखाऊंगा। एक बार शेयर करो साथियों फटाफट इस पोस्ट को, ताकि ये पोस्ट सभी तक, पितरों तक पहुँचे, सभी भक्तों तक पहुँचे, सभी बाप जी के जो चेले हैं चेलों तक पहुंचे। प्रदेश में दूसरा और जिले में पहला धाम ऐसा है साथियों, जो आज मैं आपको जसना जी महाराज का धाम लीलसर में जो मैं अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये बाप जी आ रहे हैं, बाप जी धूने पर अभी कुछ धूप कर रहे हैं नालेर का जी, देख लो ये बाप जी यहाँ आए हैं। श्री श्री 1008 श्री मोटनाथ जी महाराज देख लो बाप जी यहाँ धूना जगा रहे हैं। बोलिए जसना जी महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 मोटनाथ जी महाराज की जय हो।
सुंदर तस्वीरें देख रहे हो साथियों, पहली बार बाड़मेर जिले के लीलसर गांव से, ग्राम पंचायत लीलसर। सभी भक्त लगे हुए हैं। ये सामने मंच है, यहाँ पर साथियों कार्यक्रम होगा अग्नि नृत्य का, भाद्रवे महीने में बड़ा कार्यक्रम होगा। जो बाप जी ने अभी पूरी जानकारी दी है, वो जानकारी भी आप साथियों पूरी देखना। करीबन 6 मिनट तक बाप जी इस धाम पर बोले हैं। बाप जी ने कितनी सुंदर बात बताई है, वो पूरी देखना साथियों। तो इस वीडियो को एक बार शेयर करो साथियों। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए आपके भाई को इजाज़त। जय हिंद जय भारत के साथ इस वीडियो को भी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद जय भारत माता। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ कालू माली, आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों आज अपने साथ है श्री श्री 1008 श्री मोठनाथ जी महाराज धाम जसनाथ लीलसर। अब आगे बड़ा मेला आ रहा है भाद्रवे का, तो आगामी क्या कार्यक्रम है इस यहाँ पर मंदिर में, बाप जी से कुछ थोड़ी जानकारी लेते हैं। और शेयर कर दो साथियों ताकि ये पोस्ट सभी तक पहुँचे, तो आगामी कार्यक्रम में शामिल हो जाए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी आगामी क्या क्या कार्यक्रम है अब इस यहाँ धाम में? आज से 1 महीने बाद जो आज सप्तमी है, आगामी भाद्रवा सुदी सप्तमी को यहाँ बड़ा जसनाथ जी महाराज का भव्य मेला होता है। और उस दिन जसनाथ जी महाराज के हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आएंगे। और उसी दिन शाम छठ के शाम को भव्य अग्नि नृत्य का प्रोग्राम होगा। और जसनाथ जी महाराज का एक आज तक जो उनके वचन का आशीर्वाद है, उन आशीर्वाद के कारण में देखते अंगारों पर सिद्ध नृत्य करते हैं, वो भव्य अग्नि नृत्य होगा। और दिन को सातम को भव्य मेला होगा। और अब क्या कार्यक्रम है अभी चल रहे हैं ना, बड़ा महीना चल रहा है अभी, श्रावण का महीना है। और इस हमेशा बाप जी जसनाथ जी महाराज की दिन होता है सातम, और माँ सती कालल्दे का दिन होता है चौथ उस दिन। और अंधेर पंख में आठम को डालम जी महाराज का दिन होता है। इस दिन 3 दिन हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, और वो कई तरह की मनोतियाँ मांग के आते हैं, यहाँ आने वाले की मुराद भगवान पूरी करते हैं। बाप जी ये जोगीनाथ जी महाराज जो नागौर के पांचला सिद्धा गांव है, वहाँ के मैन थे जोगीनाथ जी महाराज। उन्होंने 1917 में लीलसर धाम की स्थापना की। तकरीबन 125 साल हो गए हैं उनकी चौथी पीढ़ी में मैं हूँ, और ये जोगीनाथ जी महाराज द्वारा स्थापित किया हुआ लीलसर धाम है। ठीक है बाप जी, धन्यवाद। बाप जी प्रदेश का दूसरा और जिले का पहला इतना बड़ा धाम है, इसके लिए आपने क्या क्या किया है? यहाँ लोगों का सहयोग रहता है, और जन सहयोग से यहाँ जसनाथ जी के भव्य मंदिर 2012 में एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठा हुई, भव्य मंदिर हुआ। उनके बाद में एक बॉम्बे से डिजाइनर बुलाया गया, और उसके द्वारा यहाँ बगीचा भोजनशाला जो सदाभर चलती है, और जसनाथ जी महाराज के मंदिर के पास में जहाँ जोगीनाथ जी महाराज ने इस धाम की स्थापना की, उस जगह का वापस जीर्णोद्धार करवाया। एक जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होता है अग्नि नृत्य, उसके जागरण मंच के नाम से उनका करोड़ों रुपये में उनका निर्माण करवाया गया, और बगीचा। और भावी हमारी योजना है जो मेन गेट है उनका हम जीर्णोद्धार करवाना चाहते हैं, और चंद दिनों में उनका शुरुआत करेंगे। ठीक है बाप जी। बाप जी इस धाम से हटकर अलग आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं यहाँ धाम से अलग एक पंछी विहार बनाने का सपना देख रहा हूँ। काफ़ी समय से मेरा विचार है, वहाँ मैंने एक छोटी सी 3 बीघा जमीन भी ली है, और वहाँ पंछियों के लिए जो आजकल आते हैं जो पंछी विहार टावर आते हैं वो बनवाना है, और पंछियों के लिए चबूतरे बनवाना है, पानी की खेड़े बनवानी है पंछी विहार, और उनके साथ में पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों का जो करने का मेरा सपना है, वो चंद दिनों के बाद मैं उसकी शुरुआत करूँगा। कि गौशाला तो नहीं है, हम गांव की जो गायें आवारा गए हैं, जिसमें गांव की गायें हैं उनका हम कुछ भगत मिल के, और गांव की गायें हैं उनको हमेशा चारा डालते हैं, और एक सारे का बड़ा स्टोर रखते हैं गाँव में,
और बाकी आश्रम की तरफ से अलग से गायों हैं जिसकी सेवा आश्रम के अंदर की जाती है, और बाकी गांव के अंदर जो गांव बाहर से कोई लोग छोड़ देते हैं कैसे करते हैं, उन गायों को हम गांव के कई दुकानदार युवा और कई लोग मिलके और हमारा सहयोग रहता है, और उसमें हम हमेशा खुले मन का चारा डालते हैं, पानी की खेड़ियाँ बना रखी है वहाँ, ये व्यवस्था करते हैं। देखो ये तो प्रकृति का प्रकोप है, पर इसमें तो ज़्यादा तो क्या कह सकते हैं, पर भगवान की इच्छा है उसके आधार पर हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमारी गौ माता को बचाना हमारा धर्म है, और उसमें जैसे डॉक्टरों की सलाह ली जाए और डॉक्टरों के सलाह के हिसाब से उनका उपचार किया जाए, और ये संक्रामक बीमारी आगे से आगे फैलती है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक कोई भी गाय के जो ये बीमारी है तो उसको दूसरी गायों से थोड़ा अलग रखना है, और अपनी गायों को खेतों में रखें, बाहर नहीं छोड़ें, ये हमारा मेन उद्देश्य रखना है। और जो गाय ख़त्म हो गई है उसको गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर दफनाना, ताकि आगे ये बीमारियां नहीं फैले, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है बाप जी, जिले से बाड़मेर जिले के अलावा आप कहाँ कहाँ सहयोग किया है, कहाँ कहाँ भाग लेने जाते हो? जिले से बाहर जो हमारे जसनाथ जी महाराज की जो अवतार भूमि है डाबला, बीकानेर के पास में ढीरेरा गांव के पास में एक बहुत बड़ा तालाब है, 500 बीघा जमीन है, उस जमीन को जो बंजर पड़ी थी उसमें पर्यावरण के संबंध में एक श्याम सुंदर जी जानी साहब और हम मिलके उसको एक पर्यावरण तीर्थ बना रहे हैं, जिसमें आज के दिन ही वहाँ काफ़ी लोगों के सहयोग से पेड़ पौधों का और वहाँ प्रचार प्रचार कर रहे हैं, और वहाँ बहुत बड़े पेड़ों का जंगल बनाने का सपना है, और भगवान करे जसनाथ जी महाराज वो सपना पूरा होगा, और उसका काम जोरों शोरों से चल रहा है, और वहाँ एकदम बाकी जगह मंदिर बना रहे हैं सब कर रहे हैं, पर उसको हम पर्यावरण तीर्थ जसनाथ जी के सपनों को पूरा करने के लिए एक पर्यावरण तीर्थ का निर्माण करेंगे, और जो अभी शुरू है और भगवान की दया से जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है।